इसके पास डब्बा है और मेरे पास बलावल बूटो है। ताड़े कौन खुश रहा है? की कहंदे जी? मैं सारी जिंदगी ठीपे ही वेखे ने। इतने पैसे इनको तो किसी ने 10 रुपए नहीं देने, तो 130 अरब कौन देगा इनको? यकीन करें, मैं प्याज लेने गया तो 450 रुपए किलो। हालांकि ताड़ा प्याज ना ताल्लुक भी कोई नहीं है। ना ताल्लुक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज बेकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, परेशान तो मैं बहुत हुआ हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे खबर ही कुछ ऐसी चल रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने यूएन से उधर से फंडिंग जो आती है 130 अरब रुपया एक घंटे में इकट्ठा किया है। क्या करूँ नाज़रीन, मुझे समझ नहीं लग रही। यानी 130 अरब रुपया एक घंटे में इकट्ठा कर लिया है भैया, इससे तो नया सिंध बन जाएगा और वो सलाब सदगान तक पहुंचा भी नहीं है। खान साहब ने पीछे पैसे इकट्ठे किए थे अरबों रुपया, वो पहुंच गया और ये पहुंचा भी नहीं। अब इस खबर में कितनी की सदाकत है कितनी नहीं है ये तो मुझे अवाम ही बता सकती है। 130 अरब सुन के मैंने दोहरे पैर। या अल्लाह बिलावल आओ मेरे साथ। सर की हाल है? ठीक। माशाल्लाह हंस रहे हो तुसी बड़ा, है ना, हंसिया करो। इतने पैसे यार, गुस्सा सुन के हंसदा पिया। 130 अरब रुपया बिलावल साहब ने इकट्ठा किया, सोशल मीडिया तक खबर चल रही है। मैनू भी इहदी हकीकत दा नहीं जे पता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सोशल मीडिया वैसे भी झूठ बड़ा बोलती है। बिलावल भुट्टो ने तो किसी बताया कहीं नहीं बताया। नहीं ना बताया, झूठ फेक है। ये फेक है, मुझे नहीं लगता। यानी बिलावल भुट्टो ने इकट्ठे करके पैसे ना सलाब सदगान ते करके ने कहीं पापा को तो नहीं दे दिए कि लो पापा इलाज करा लो। बहुत ज्यादा परेशानी है, यकीन करें मैं प्याज लेन गया तो 450 रुपए किलो। हालांकि ताड़ा प्याज ना ताल्लुक भी कोई नहीं है। बड़ा ताल्लुक है। गरीब आवाम पहुंच जाए अगर है जी, अगर नहीं भी है तो इन्हों नू चाहिए कि अपनी ईमानदारी इकट्ठी करन। इन्हें जो लोगों बाई बाई करोड़ रुपया एनपीए लैन से कर रहे हैं ना, तो अगर उत्थे अगर ए कर देंगे ना तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला इन्हों जन्नत नसीब कर देगा। बेशक ऐसी बात। और ए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सवार सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और मेरा ख्याल है जिस स्टेज पर गया जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, और मेरा ख्याल है इन्होंने नेकी का काम कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं ये 130 अरब रुपया इकट्ठा हो सकता है? वैसे देखे जी, बिल्कुल हो सकता है, कोई शक नहीं है, पर असल अगर बात हो गया तो अगर ये हो गया तो ये फिर वही बात है, अल्लाह को नेकी की दहत है, ये नहीं उन तक जाएगा, ये 100% बात है। अगर जाना होता ना ये पहले सिंध को सही कर देते होते। आए, 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 और ये उन्होंने कभी आज तक सिंध के लोगों को कभी उनका सोचा ही नहीं है, सोया इन्होंने कभी आज तक। इन्होंने उनका पानी का मसला नहीं हल किया कभी, उन्होंने कभी उनका बिजली का मसला नहीं हल किया। उन्होंने अपनी हुकूमत बना के अपनी जेब भरी जा रहे हैं, अवाम का क्या इन्होंने सोचा हुआ है? कोई भी नहीं सोचा हुआ। बात है अवाम का क्या सोचा चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा पाप ठीक कर लो। हां जी ठीक है। क्या बात, गाना ते बने मथे ते चमकन वाल मेरे बनने। घंटे में बिलावल भुट्टो ने 130 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया सलाब सदगान के लिए। झूठ बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। सही बात, झूठ बोलते हैं। 130 अरब अगर इकट्ठा हुआ है तो उनको बोले सिंध को छोड़े, ये कर्जा उतार दें मुल्क का। बस आए हाय हाय, क्या मुल्क का कर्जा उतार दें 130। सही गल है, सीधे ही उधर भेजन दे, इजी हो गया। हां जी असी इजी हो जाइए। ते जे नहीं कटे हुए तो फिर कोलों दे देवे। इन्ने तो कोलों दे सकदे ने, दे सकदे ने। इन्ना बहुत है मुल्क च लुटे ने इन्होंने। हाय हाय हाय, इन्ना बहुत है मुल्क च लुटे ने। बिलावल भुट्टो घूमन का की पता ऑनलाइन ही आंदा। वालेकुम सलाम, कहां मेरे शो के अंदर घुस गई हो? डोनेट करें पैसे। मुझे ये बताएं आप तो डोनेट कर रही हैं, छोड़ दो डब्बे। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने इकट्ठा कर लिया
ਭਾਈ ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਡੱਬਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਲਾਵਲ ਬੁੱਢੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਲਾਵਲ ਆਇਸਤਾ ਬੋਲੋ ਆਇਸਤਾ ਬੋਲੋ ਹੈ ਨਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆਇਸਤਾ ਕੀ ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਰਗੀ ਔਰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਚ ਬਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ एक मिनट ये तुम अगर हकीकत में इकट्ठे कर रही हो तो सलाब सदगान के लिए मुझे भी डालना चाहिए जी जरूर हम इसीलिए आपके पास आए नाज़रीन मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बहन तू भी पाने ने पहे असी सारे नालों पहले पा देते ने कैमरे तो बगैर किथे ए दे जी क्या बलावल बूटो सच्चा है या हम सच्चे हैं आज पता लग जाएगा कि हमने ज्यादा इकट्ठे किए हैं बलावल बूटो ने हल्ले में किते स्टार्ट माशाल्लाह हल्ले मेनू शुरू होया है तो लोगों ने रोक के बड़े पैसे पाए ने मैं पूरा चक्कर ला के आवांगी तेनू उंज भी लोकी पैसे देने लग पड़े पर्सनैलिटी दा फर्क हुंदा ना ते कुछ चक्कलों ही मंगण वाले लगदे ने कुछ लोग एवं देख के दे देंदे ने अगर 130 अरब उसने जमा कर लिया 500 करोड़ इमरान ने कर लिया तो भाई कहां है आवाम को क्यों नहीं दे रहे आज मैं लिया सिंध बन जाए आज मैं जिन लोगों के लिए ये पैसे जमा कर रही हूं ना ये उन इलाकों के लिए जहां पे ना तो हमारा शहबाज शरीफ पहुंचा ना इमरान खान पहुंचा ना ही हमारा बिलावल पहुंचा ना ही मरियम पहुंची बिलावल भुट्टो साहब ने 130 अरब रुपया जो है ना वो इकट्ठा कर लिया कहां एक घंटे में किस तरीके से पता नहीं अब किस तरीके से नहीं ये कैसे हो सकता है पहली बात तो ये है कि सियासी लोग जितने भी हैं ना इनको तो लोग चंदा देने से डर रहे हैं ये जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे तो फिर भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं हर चीज़ इकट्ठी हो रही है कल हमारी मार्केट की यूनियन ने माशाल्लाह लाखों रुपया इकट्ठा किया और हर दुकानदार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तो ये अगर कोई सियासी आदमी करता है ये इस चीज़ का कहता तो है तो उन पर तो कोई इतमाद कर ही नहीं रहा तो ये किस तरह से ये पॉसिबल कैसे है इतने पैसे इनको तो किसी ने 10 रुपये नहीं देने तो 130 अरब कौन देगा इनको और नहीं पहली बात तो ये है कि ये बात पहले तो कन्फर्म हो ना कि है भी कि नहीं है सोशल मीडिया पे तो बड़ा कुछ चलता है लेकिन ये झूठ है ये तो किसी आप छोटे से बच्चे से पूछ लोगे वो कहेगा इसको 130 अरब किसने दे इसको 130 रुपये नहीं किसी ने देने कोई पैगाम दे दें कि ऐसी क्या ये खबरें या क्या हकीकत है या बिलावल साहब को कोई पैगाम नहीं नहीं शर्म करो अगर बयान ये दिया है तो बिलावल भुट्टो साहब शर्म करें इतना झूठ बोले जितना कोई बंदा मान ले जितना सानू पच जाए जितना पच जाए बिल्कुल सही है इतना झूठ बोलना चाहिए जितना गमे हजम हो जाए नाजरीन बिलावल भुट्टो साहब ने 130 अरब रुपया इकट्ठा किया या नहीं किया अगर किया है तो फिर वो सलाब से दुकान तक पहुँचना चाहिए क्योंकि मैंने एक हेडलाइन पढ़ी अखबार की उसके अंदर सिर्फ 35 अरब रुपया चाहते हैं कि सलाब से दुकान को सिर्फ 35 अरब रुपये की जरूरत है तो यहाँ 130 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया तो बाकी जोड़ा है मुल्क के कर्जे लाओ और हंसते रहो सानू भी हंसाओ हमें भी खुश रहने दे आप भी खुश रहें बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना आपके चेहरे पर हंसी लेकर आना हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा इज्जत इज्जत मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक वही सब कुछ कर सकता है बेशक बेशक मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है 130 अरब रुपये में नहीं 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 नहीं